जन्नत और जीत के प्यार पर लगेगा कलंक। रुद्र करेगा मन्नत और जीत को फंसाने की कोशिश। दीवानियत के बनते बिगड़ते रिश्ते। स्टार प्लस के सीरियल दीवानियत में मलिक परिवार और चौधरी परिवार की दुश्मनी हद पार हो रही है, जिसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है रुद्र। असल में हर साल की तरह शिव और पार्वती की पालकी लाने के लिए होती है रेस, जिसमें इस बार मन्नत का परिवार जीत गया है और पूरा परिवार शिव पार्वती की पालकी ला रहा है, जिसमें दूर से ही सही जीत का परिवार भी शामिल है। लेकिन इस पालकी में मन्नत का चेहरा उतरा हुआ है, क्योंकि उसका रिश्ता तय हो गया है रुद्र के साथ। ऐसे में जीत पूरी कोशिश कर रहा है कि जैसे तैसे कर वो मन्नत को हासिल कर सके। इसीलिए तो देखिए कैसे मौके का फायदा उठाकर जीत पहुंच गया है मन्नत के पास पूजा करने के दौरान, और देखिए कैसे प्यार से उसके बालों में गुलाब का फूल लगा रहा है और उससे वादा कर रहा है साथ निभाने का। बहुत कुछ हो रहा है, जैसे कि अभी तक जो भी एपिसोड्स आए हैं उसमें काफी ड्रामा, काफ़ी चीज़ें हो रही हैं जहाँ पे जीत और मन्नत की लव स्टोरी देखने मिल रही है ऑडियंस को, प्लस दोनों फैमिलीज़ की राइवलरी देखने मिल रही हैं। अभी जो हम शूट कर रहे हैं वो ये है कि दोनों फैमिलीज़ पालकी के लिए आई हैं जैसा कि आपने कहा, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं जीत और मन्नत मिलते हैं और जीत उसको प्रपोज करता है शादी के लिए, एंड देन उनको दोनों को तो लग रहा है सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो सब कुछ ठीक कर लेंगे, बट अगेन चीज़ें काफ़ी यू नो यू टर्न लेने वाली, काफ़ी कुछ होने वाला है। सो अभी हम लोग वही शूट कर रहे हैं, पालकी आएगी, जीत और मन्नत, जीत प्रपोज करेगा मन्नत को, एंड देन अगेन रुद्र को पता चल जाएगा, वो हमें लॉक कर देगा रूम में। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं अभी। नहीं, हम कभी दुश्मनी तो नहीं भूलते, चौधरी और मलिक अपनी दुश्मनी पे बिल्कुल ठाम है, और पालकी है, भगवान की पालकी है, महादेव की पालकी है, तो इसकी वजह से वो लोग पालकी लेकर आ रहे बिकॉज वो लोग जीते हैं, तो और हर साल हम लेकर आते बिकॉज हर साल हम जीतते हैं, पर हाँ पालकी में शामिल तो सभी होंगे। भाई दोनों बातों में इतने खो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि यहाँ पर इनका पूरा परिवार भी है। वैसे रुद्र के आदमी ये देख लेते हैं और एक एक कर वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को बाहर निकाल देते हैं ताकि वो जीत और मन्नत दोनों को कमरे में कैद कर सके। हालांकि इस बात से अनजान जीत और मन्नत को तब एहसास होता है जब लाइट चली जाती है और दोनों घबरा जाते हैं। इतना ही नहीं, दोनों तो अपने मोबाइल के नेटवर्क का भी इंतजार करते हैं, लेकिन नेटवर्क न होने की वजह से दोनों अकेले ही कमरे में कैद हैं और डरे हुए भी। इतनी खूंखार दुश्मनी है आपस में, और जब ऐसे पता चल जाता है कि वो लोग रूम में बंद हैं तो उसके बाद बहुत बड़ा तांडव होता है, क्योंकि पूरे शहर के लोग जो हैं सम्भ्रांत, जो भी कहते हैं क्या ग्राम पंचायत के जो हैं लोग, जो बड़े लोग हैं, सबको पता चल जाता है कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो हुआ है। ऑब्वियसली अगर रात को कमरा बंद है तो अक्सर ही सोचेंगे, तो उसी पे आगे हम बवाल अभी जो है वो शूट करने वाले हैं। एक्चुअली इसमें क्या है, वो लोग गलती से बंद हो गए हैं वहाँ रूम में, और ना उनका कोई कसूर है ना उनका दोष है, और कपल्स हैं ऑब्वियसली, उनको थोड़ा सा एक प्राइवेट स्पेस मिल रहा है तो थोड़ा कोजी हो रहे हैं आपस में, लेकिन उनको पता नहीं कि आगे उनका ये जो भांडा फूटने वाला है सबके सामने, और किस तरह से फूटेगा
ये हमारे शो में देखिएगा आप, क्योंकि उसके बाद जो बवाल खड़ा होगा तो बहुत बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होने वाला है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई दुश्मनों में अगर प्यार हुआ तो उसकी एक बड़ी कीमत तो चुकानी पड़ती है। भाई ये तो रुद्र की सोची समझी चाल है, वो तो मन्नत और जीत दोनों के प्यार पर कलंक लगाना चाहता है ताकि मलिक्स और चौधरी की दुश्मनी और बढ़ सके। वहीं दूसरी ओर इस बात से अनजान है देव कि उसके परिवार के साथ रुद्र क्या करने वाला है। वो तो अलीशा के साथ है और अलीशा पूरी कोशिश कर रही है देव को अपने प्यार में फंसाने की। अब देखना होगा क्या देव उसके प्यार में फंसेगा और क्या देव को रुद्र के इरादों का पता चलेगा और क्या इनकी दुश्मनी और बढ़ जाएगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जिस तरह ये फेस मिस्ट कर रही है मुझे रिफ्रेश, उसी तरह लेकर आते हैं हम भी आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की फ्रेशनेस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।